पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चला रखा है। भारतीय सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में हर रोज ही आतंकी या तो मारे जा रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं। सोमवार को भी भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को धर दबोचा है। खबर के मुताबिक ये वही आतंकी हैं जिन्होंने शुक्रवार को श्रीनगर के चानापुरा इलाके में पुलिस पोस्ट पर हमला किया था। आतंकियों के इस हमले में एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया था। गौरतलब है कि रविवार को बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई थी। हालांकि इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को जिंदा पकड़ लिया। आपको बता दें कि पकड़े गए जैश के 3 आतंकियों के नाम मुश्ताक, जुनैद और लतीफ हैं। और ये तीनों आतंकी घाटी में पहले भी आतंकी हमला करने की कोशिश कर चुके हैं। चानापोरा हमले की जानकारी देते हुए एसएसपी मुगल ने बताया कि जुनैद पहले किसी बहाने से पुलिस चौकी के अंदर दाखिल हुआ था और अंदर की सारी जानकारी लेकर बाहर आया था। इसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चौकी पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि आतंकियों के इस गोलीबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल हो गया था। इस दौरान एक आतंकी ने घायल जवान की राइफल लेकर भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन बेल्ट से बंधे होने के कारण आतंकी राइफल चुराने में नाकामयाब रहा। और जब बाकी जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी तो आतंकी दुम दबाकर वहां से भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि पकड़े गए 3 आतंकियों में से एक मुस्तफा कश्मीर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, जबकि जुनैद पत्थरबाजी करने वाले समूह में शामिल है। तीसरा आतंकी लतीफ जैश के लिए काम करता है और जैश के आतंकियों को साजो सामान ले जाने में और ले आने में मदद करता है। आपको बता दें कि इस साल अब तक लगभग 70 आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और पुलवामा आतंकी हमले के बाद 41 खतरनाक आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मारे गए 41 आतंकियों में से 25 आतंकी जैश ए मोहम्मद के हैं। आपको बता दें कि भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई में आतंकी संगठनों ने अधिकांश टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।